तो डोंट, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास ही होने वाला है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए खास हो तो ये वीडियो भी जरूर खास ही होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ ऐसे शॉर्टकट सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं, जिससे आप लोग देख कर क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, यही बोलने वाले हो। तो आइए हम लोग कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं आप सभी के फ्यूचर में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अपने कंप्यूटर के गंदे से स्क्रीन पे चलकर क्या इसका क्या हाल चाल होने वाला है। तो आप सभी को शॉर्टकट सीखने की बहुत ही ज़्यादा उल्लास थी, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलो हम लोग सीख लेते हैं शॉर्टकट की के बारे में। तो सबसे पहले सबसे नंबर पे जो शॉर्टकट की आता है, अगर आपको मतलब कभी फाइल मैनेजर ओपन करना होता है तो आप सिंपली क्या करते हो, आप जाते हो फाइल मैनेजर पर, आप लोग ओपन करते हो, ठीक है। बट अगर आपको शॉर्टकट की से ओपन करना है तो सिंपली आपको विंडो और ई का बटन क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग ऑटोमेटिक से ओपन कर सकते हो फाइल मैनेजर, देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया विंडो और ई का बटन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको मतलब इसी मतलब ये जो आपने अभी दिस पीसीआई में अपने फाइल मैनेजर को ओपन किया, अगर आपको इसी का काफ़ी सारा कॉपी लेना है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन का बटन क्लिक करना। आप देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन का बटन क्लिक किया, कितने सारे इसके कॉपी बन गए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो नया पेज है इसका, ठीक है। मतलब न्यू पेज अगर लेना चाहते हो तो आप लोग इस टाइप से क्लिक करके न्यू पेज, काफ़ी सारे न्यू पेज ले सकते हो। जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा डेस्कटॉप का स्क्रीन भर चुका है न्यू पेज से। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड वाले शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को कभी मतलब क्या होता है कि स्नैपशॉट यानी स्क्रीनशॉट लेना होता है अपने विंडो का, तो आप लोग जाते हो यहाँ पे आप लोग सर्च बार में स्नाइपिंग स्नाइपर सर्च करते हो, क्या नाम है उसका, ना स्नाइपिंग है ना उसको, आप लोग स्निप, अच्छा स्किप स्निप एंड स्केच पर क्लिक करके आप लोग मतलब कहीं भी किसी पर्टिकुलर विंडो का आप लोग मतलब लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट ऐसे करके लेते हो। बट अगर आपको मतलब एक शॉर्टकट की मैं बताता हूँ इसके थ्रू आप लोग ले सकते हो नॉर्मल तरीके से, आपको सिंपली विंडो और डब्ल्यू का बटन क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों नीचे आ गया वाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन स्नैप पे क्लिक करना है और आपका फुल स्क्रीन का पूरा स्नैप यानी स्क्रीन शॉट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके बाद अगले नंबर पे आता है, अगर आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को शॉर्टकट की मदद से शट डाउन करना है तो सिंपली आपको अल्ट और F4 का बटन क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद इंटर दबाओगे और आपका जो विंडो है आई मीन कंप्यूटर है शट डाउन हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग शट डाउन के साथ रिस्टार्ट कर सकते हो, स्लिप भी डाल सकते हो, स्विच यूजर भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद अगले नंबर पे आता है जो शॉर्टकट की, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग काफ़ी सारे वर्ड लिख लेते हैं, हमें काफ़ी सारे वर्ड को कॉपी करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुझे कॉपी करना है इस वर्ड को, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाकर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको पेस्ट करना है, ठीक है, मैं पेस्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं ये पेस्ट हो गया। इसमें क्या होता है, मुझे और भी चीज़ें कॉपी करनी है, तो इसे मैं ये जी जो ऊपर लिखा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं पेस्ट करूँगा नीचे, तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये वाला पेस्ट होगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी कॉपी किया था ये कहाँ गया, ये तो गायब हो गया, ठीक है। अगर आपको मतलब काफ़ी सारे चीज़ें कॉपी करके रखनी है, जैसे यहाँ पे मैं एक कॉपी करता हूँ, दूसरा जो कॉपी मैंने किया था वो डिलीट हो जाता है, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, अपने कीबोर्ड में विंडो और वी का बटन दबाओ, उसके बाद यहाँ पे शो हिस्ट्री दिखा, यहाँ पे टर्न ऑन क्लिक करो, ये जैसे ही क्लिपबोर्ड टर्न ऑन हो जाएगा उसके बाद आप लोग जितने भी चीज़ों को कॉपी करोगे सभी शो होंगे। जैसे इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, जितने भी चीज़ मैंने कॉपी किया सभी कुछ शो होंगे। बस मुझे क्या करना है, देखने के लिए मैं बस विंडो और वी का बटन क्लिक करूँगा, देख सकते हो इतनी चीज़ मैंने कॉपी किया है, मैं किसी को कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे विंडो और वी का मैं बटन जैसे ही दबाऊँगा आप देखो क्या होता है, यहाँ से इसको मैंने पेस्ट किया, ये हो गया पेस्ट। इस टाइप से आप लोग मतलब काफ़ी सारे पार्टिकुलर चीज़ों का कॉपी आप लोग बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी शॉर्टकट की आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद